जन मुद्दों पर सार्थक बहस। सुल्तानी जी आप बहुत 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 सीनियर नेता है, बीच में मत बोलिए, आपको शोभा नहीं देता। करते हैं निष्पक्ष संवाद। लाभ की राशि कहाँ गई, बोनस की राशि कहाँ गई? तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी अगर 2500 देते थे तो बोनस का पैसा देते थे। सत्ता तक पहुँचे आपकी हर आवाज। जब हमको घोषणा पत्र में कहा गया है कि सभी का निमित्तीकरण किया जाना है तो क्यों नहीं किया जा रहा है? मंत्रालय के गलियारों से राजकाज और विपक्ष के सवालों में जनमन की बात। मैंने ये पूछा है कि जो पत्र लिखा है व्याख्या किए, वहाँ अभी शिक्षा कौन दे रहा है, वहाँ पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो रही है, किसकी जानकारी? कोई जन आंदोलन हो या हो, हक अधिकारों की बात। जब तक ये 3 कानून मोदी सरकार वापस नहीं लेगा तब तक ये हम चक्का जाम करेंगे, छत्तीसगढ़ की लड़ाई लड़ेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा के बुनियादी सवालों के बीच डॉक्टरों को हर चीजें मांगनी पड़ती है और मांगने के बाद भी मुश्किल से मिलती है, थोड़ा आप इसको मॉनिटरिंग कर लेंगे? हमारे यहाँ सामान है परंतु सामान डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। नक्सली हिंसा हो या हो कोई अन्य अपराध, मंदिर रसोई के पिबरट्टा गांव में एक युवक की अर्जली लाश मिलने का मामला सामने आया है। कला संस्कृति के इस गढ़ में शहरों से लेकर गांव तक की बात देखिए, हर पल हर खबर हमारी टीम स्वराज एक्सप्रेस के साथ। स्वराज एक्सप्रेस टाटा स्काई के चैनल नंबर 1166 पर।